अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ असगर इरफान, यह मेरी बहन आयज़ा इरफान और यह मेरे भाई आयश इरफान। आज हम आप लोगों से जुमतुल विदा के बारे में बात करना चाहते हैं। मेरी मामा ने बचपन ही से जुम्मे वाले दिन शलवार कमीज पहनाई और सूरह कहफ पढ़ने की तलकीन की। हमारी मामा ने यह बताया कि जुम्मा मुसलमानों के लिए बहुत अहम और बाबरकत दिन है। हमें चाहिए कि हम इस दिन को नहा कर साफ़ सुथरे कपड़े पहने और नाखून काटें, क्योंकि ये सुन्नत भी है। और हमारी मामा हमारी तरबियत में इस बात का हमेशा ख्याल रखा। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू हुआ वो जुम्मा का दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तख्लीक किए गए, जुम्मे के दिन जन्नत में दाखिल किए गए और जुम्मे के ही दिन जन्नत से निकाले गए, और कयामत वाक़े नहीं होगी मगर सिर्फ जुम्मे के दिन। नमाज जुम्मा का एहतमाम बहुत ज़रूरी है। हज़रत जाबिर से रवायात है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, उसको चाहिए कि वह जुम्मे की नमाज ज़रूर पढ़े। नमाज जुम्मा एक फ़र्ज़ नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अच्छे तरीके से वजू किया फिर जुम्मा पढ़ने आए और गौर से खुतबा सुनने तो इस जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक और तीन दिन के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जुम्मतुल विदा रमज़ान का एक आखिरी जुम्मे को कहते हैं, जिसकी बहुत अहमियत है। जुम्मतुल विदा पर हम क्या करें, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि आपको इवैल्यूएट करें कि हमने क्या क्या बुराइयां की हैं, और इस मंथ में हम कोशिश करें कि इन बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ दें। आज की वीडियो अल्लाह करे आप के हमारे साथियों के लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। Thank you for watching, like and subscribe. Love is love is love is